हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मनोज बघेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आज का ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहता है। आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं एक बेहतर कल की। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जानिए आपके बच्चे का पोटेंशियल क्या है, जानिए आपका बच्चा चाहता क्या है, जानिए कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या काबिलियत है और वो लाइफ में क्या कुछ कर सकता है। बट कहीं ना कहीं आज हम अपने बच्चे का पोटेंशियल मार देते हैं। किस किस एंगल से? परसेंटेज के एंगल से। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, अपने बच्चे का पोटेंशियल परसेंटेज में ढूंढते हैं। पड़ोसी के बच्चे के इतने परसेंटेज आए हैं, आपके तो इतने आए हैं, आपने मेहनत नहीं की। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि 85% लाने वाला बच्चा, 85% लाने वाला बच्चे के लिए पेरेंट्स खुशी नहीं होते, उन्हें कोई खुशी नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि 95% प्लस आने चाहिए। डियर पेरेंट्स, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चे के ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर ना बनाएं। हो सकता है आपका बच्चा रटन विद्या में आगे ना हो, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि लड़कियां या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रटंत विद्या में इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो आंसर लिख देते हैं और होता क्या है, अच्छे नंबर मिल जाते हैं और हम सोचते हैं हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब ज़ीरो होगी तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? इसीलिए माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि खुद से डिमांड कीजिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। एंड पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को अपने पोटेंशियल को पहचानने में मदद कीजिए, उन पर अननेसेसरी का बर्डन मत डालिए कि आपके चाचा, आपका पड़ोसी, आपके रिलेटिव ये कर रहा है तो आपका बच्चा भी वही करना चाहिए। चलिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ एंड आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स क्या काम करते हैं, तो एक स्टोरी में एक बार क्या होता है, एक गुरु शिष्य एक जंगल में जा रहे होते हैं और जब गुरु शिष्य एक जंगल में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जंगल में एक मेंढक होता है। शिष्य मेंढक को देखता है तो मेंढक बड़ा अजीब सा दिखाई देता है, उसके पांव अजीब से हैं, उसकी आंखें अजीब सी हैं। एंड जब वो मेंढक की तरफ आगे बढ़ता है तो मेंढक उछल के पानी में चला जाता है और पानी में जाके तैरता है, फिर थोड़ी देर में बाहर निकल आता है एंड वो उछल उछल के अजीब तरीके से चलता है। तो शिष्य जो है वो गुरुजी से पूछता है, कोई ये कैसा जानवर है, ये पानी में गया अभी और पानी में जाने के बाद में ये बाहर आ गया, अब ये उचक उचक के चल रहा है, तो मैं समझ नहीं पाया ये कैसा जानवर है। तो गुरुजी बताते हैं उसे कि देखो ये जानवर क्या है, जब प्रकृति ने इस जानवर को बनाया और पृथ्वी पर भेजा तो इसने देखा, क्या देखा, ये पार पर बैठा हुआ था और मछली पानी में तैर रही थी, और जो मछली पानी में तैर रही थी तो इसने मछली से डिमांड किया, बोला मछली रानी क्या आप मुझे तैरना सिखा सकती हैं? तो मछली ने बोला ओके फाइन, ठीक है मैं सिखा दूंगी। तो इसने क्या किया, मछली के साथ तैरना शुरू किया। ये 4 दिन तैरने की प्रैक्टिस किया, 5वें दिन नहीं किया, इसने तैरना बंद कर दिया। तो मछली से ये थोड़ा बहुत ही तैरना सीख पाया, यानी लंबे समय तक पानी में रहना नहीं सीख पाया, उसके बाद में फिर बताया कि इसने देखा हिरण को, किसको देखा, हिरण को, और हिरण से बोला कि आप बहुत तेज भागते हो, आप मुझे भी भागना सिखाओ ना। तो हिरण कहता ठीक है कल से आ जाना। इसने हिरण के साथ प्रैक्टिस की, अगेन 4-5 दिन प्रैक्टिस की और फिर प्रैक्टिस छोड़ दी, बोला यार अब मुझसे नहीं होता, तो ये इन्फ्लुएंस हो गया जल्दी से हिरण को देख करके, जिस तरह से मछली को देख के इन्फ्लुएंस हुआ था। इसके बाद में इसने देखा अपने पास में एक खरगोश को, क्या वो किस तरह से चलता है। जब इसने खरगोश को देखा कि वो टांग उठाकर चलता है तो उसे लगा यार बड़ा अच्छा चलता है ये, तो उसने भी क्या किया, खरगोश के पास जाकर बोला क्या आप मुझे अपनी तरह चलना सिखा सकते हो। तो उसने कहा ठीक है फाइन मैं सिखा दूंगा। तो ये 4 दिन के लिए इसके पास गया और इसने 4 दिन चलना सीखा। यानी कि इसने अपनी लाइफ में क्या किया, इसने सबसे पहले मछली से प्रभावित हुआ, वो काम करने की सोची, उसके बाद हिरन से प्रभावित हुआ, वो काम करने का थोड़ा समय काम किया, एंड देन खरगोश से प्रभावित हुआ और उसने वो काम करना चाहा और सीखा भी, लेकिन किसी भी काम को ये परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाया और आज रिजल्ट आपके सामने है। जब गुरु ने अपने शिष्य को ये बात बताई तो शिष्य को ये पूरी बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में मेंढक ने अपना रियल पोटेंशियल देखा ही नहीं, मेंढक ने अपना रियल पोटेंशियल जाना ही नहीं।
सिर्फ क्या किया उसने, जिस व्यक्ति को देखता उससे प्रभावित हो जाता और उसी की तरह बनना चाहता है, जिस जानवर को देखा, जिस क्रिएचर को देखा, जिस प्राणी को देखा उसकी तरह बनना चाहता है और अपना रियल पोटेंशियल भूल गया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसी होता है। जब हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपने रिलेटिव को देखते हैं, तो हम सोचते हैं हमें ऐसा बनना चाहिए, बट एक्चुअल में हम अपने रियल पोटेंशियल को भूल ही जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स से और स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, तो आप उसके रियल पोटेंशियल को जानने में उसकी मदद कीजिए, एंड परसेंटेज से कभी भी उसको उसकी क्वालिटी को मत आंकिए। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इतिहास कर रहे हैं, वो या तो कभी फेल हुए थे, या कभी स्कूल नहीं गए थे, या उनकी एजुकेशन बिल्कुल बेकार थी, लेकिन उन्होंने इतिहास को बदला है, राइट? तो परसेंटेज एक बच्चे का भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा 80% भी ला रहा है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका बच्चा 95 भी ला रहा है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, बट उसे डिस्करेज मत कीजिए। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसा कर जाते हैं और उम्मीद करते हैं, और बच्चा प्रेशर में आ जाता है, वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाता है, राइट? सो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको वाकई में बड़ा फ्यूचर चाहिए, वाकई में आप जो करना चाहते हैं वो चाहिए, तो खुद से डिमांड कीजिए आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, और उस तरफ लग जाइए। ऐसा मत कीजिए कि कभी ये, कभी वो, कभी वो। हम जनरली बच्चों से पूछते हैं तो वो कहता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कभी कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नहीं, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने खुद से डिमांड कीजिए कि आपका कहाँ मन लगता है, आपको कहाँ खुशी मिलती है, और जहाँ खुशी मिलती है वो काम कीजिए। डेफिनेटली सफलता आपके कदमों में होगी। काबिल बनिए, नंबर के पीछे मत भागिए, अपना पोटेंशियल ढूंढिए, जैसा कि 3 इडियट में भी बोला गया है। काबिल बनो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी।